यह इस मंदिर का मुख्य द्वार है। बताया जाता है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने 2800 वर्ष पूर्व इस स्थान पर मुनि रूप में तप करके ज्ञान को प्राप्त किया था और इस मंदिर की स्थापना की थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। जैन पुराणों के अनुसार पार्श्वनाथ जी को तीर्थंकर बनने के लिए 9 जन्म लेने पड़े थे और 10वें जन्म के तप के फलस्वरूप पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर बने। यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ। यह 30-24 मंदिर है। यहाँ पर 10 कमल के फूल बने हुए हैं। हर फूल 3 भागों में डिवाइडेड है। हर भाग में 24 पत्ते हैं जिस पर 24 श्वेत मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यह 720 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ आए थे। यह सामने आप जो देख रहे हैं ये इन 720 तीर्थंकरों के नाम हैं। ये 24 मंदिर है। ये 8 मंदिरों का एक समूह है जिसमें प्रत्येक मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर प्रांगण में एक कुआं है। कहा जाता है कि इस कुएं का जल पीने से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बताया जाता है कि 1857 में जब इस मंदिर पर बाबर ने आक्रमण किया था उस समय मंदिर का माली पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा को लेकर इसी कुएं में 3 दिन तक बैठा रहा था। बिल्कुल पूरा नहला दियो।